की शुरुआत हो गई है और दिसंबर आ गया है और गोभी गोभी किसको पसंद नहीं है। तो चलिए आज की हमारी जो रेसिपी है वो है गोभी मंचूरियन। और ये देखिए कि आज रात का समय है और आज हमारा ये डिनर है गोभी मंचूरियन। तो जल्दी से बनाना सीखिए गोभी मंचूरियन और हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए। तो चलिए बनाना सीख लीजिए। देखिए गाइस ये वो गोभी फ्लोरेट्स को थोड़ा सा टकरी डालेंगे पानी में, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और उसको पार पार इसके बॉईल हो गया है, लगभग 3 मिनट हो गया है और आप देख सकते हो इस स्टेज पर हम इसको स्ट्रेन कर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये उबल कुछ ना हो। इसको एक नीचे बेस डालकर इसको बिल्कुल सावधानी से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए और हमारे जो गोभी फ्लोरेट्स है बिल्कुल इजिली। ये जो वाटर है इसको आप एज ए वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टर्मरिक और सॉल्ट वाटर है और ये हमारे गोभी फ्लोरेट्स हो गए हैं। ये ओवर कुक ना हो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको सिंक में पानी के नीचे डाल देते हैं और इस पर ठंडा पानी हम डाल रहे हैं आप देख सकते हो ताकि ओवर कुक ना हो और इसकी हार्डनेस बनी रहे। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से हमारे गोभी फ्लोरेट्स हो गए हैं और ये इजीली है क्योंकि हमने इसको बॉयल इसलिए किया कि हम इसको अभी कोटिंग करके और फ्राई करेंगे ताकि अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट रहे और सॉल्टी रहे, अदरवाइज गोभी कड़क होगी तो मंचूरियन अच्छा नहीं लगेगा गोभी का और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं, इसको ठंडा होने देंगे। रही गाइस हमारे जो गोभी के हम मंचूरियन बनाने वाले हैं वो भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके साथ हमने वेजीज भी काट लिए, रख भी लिया है हमने, यहाँ पे हमने स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट लिया है, थोड़े से छोटे पार्ट लिए, आधी ग्रीन चिली ली है, जिंजर जूलियंस लिया है, डाइस्ड ऑनियन लिया है, थोड़ी रेड चिली ली है, ये हमने कैप्सिकम लिया है और ये स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और थोड़ा सा कैबेज लिया है, यहाँ पे ऑल पर्पज फ्लोर लिया है, जिंजर गार्लिक को क्रश किया है, धनिया और सॉसेज लिए हैं, थोड़ा फूड कलर लिया है, अगर इसमें कलर देना चाहे वैसे ये टर्मरिक का हमने कलर दिया है। अब इसको प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा इसमें आप कॉर्नफ्लोर या मैदा डस्ट कर लीजिए ताकि जो इसका और इसको ऐसे टैप कर लीजिए ताकि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और वो इसी में कोट हो जाएगा और हमारी जो मैदे की हम स्लरी बनाएंगे मसालों के साथ वो अच्छी तरह से इस पर कोट होगी। देखिए पूरा हम मैदा इसमें ले लेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। याद रखेंगे कि जो सॉसेज हैं उसमें सॉल्टी होते हैं तो अपने अंदाज से डालेंगे। यहाँ हमने रेड चिली डाली है, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा रोल बनाएंगे। सॉसेज भी डालेंगे, यहाँ थोड़ा सा सोया सॉस डाल रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल रहे हैं सॉस, बस थोड़ा सा डालेंगे हल्के फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा इसमें जिंजर और गार्लिक जो हमने कट किया था वो भी हम डाल देंगे। रेडी किया है, देखिए ये ऑलरेडी इसमें जो कलर है वो हल्का रेडी से, आप चाहें तो फूड कलर ऐड कीजिए और चाहें तो ना कीजिए, मैं इस स्टेज पे हल्का सा फूड कलर ऐड करूँगा क्योंकि इसको बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देना है। आप चाहें तो गाइस इसमें रेड कलर भी डाल सकते हैं, ये हमने केसर येलो डाला है, हमने थोड़ा इसमें टर्मरिक पाउडर भी डाला है ताकि दोनों बैलेंस है। हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया है और एक हमारे जो पॉपकॉर्न है उसमें हम कोट करके देखते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से कोट हो रहा है और ऐसे ही हमें रखना है। देखा गाइस यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब इसमें एक एक करके हम अपने पॉपकॉर्न को डालेंगे। अगर आप छोटा साइज डालेंगे तो ये पॉपकॉर्न हो जाएगा लेकिन ये गोभी मंचूरियन है
डाल के देखेंगे इसको पहले। तो पहले अपने आप फ्राई होने दीजिए, जैसे ही फ्राई हो जाएगा ये अपने आप अपने जो बेस है छोड़ देगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं काफी दिखा रहा हूँ कॉफी है इसके अंदर, और ऐसी देनी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें आप, और ज़्यादा सॉसेस भी ना डालें, तो उनका एक ऑयल भी चिपकेगा। और हमेशा एक ही कढ़ाई में फ्राई करना, फ्राई नॉन स्टिक फ्राई में फ्राई करना, तो ऊपर का जो क्रस्ट है वो कड़क होना है, इसीलिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे उसको एक मिनट फ्राई करें। किचन टॉवर पे आप देख सकते हो, मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, ये आवाज कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो कोटिंग है वो क्रिस्प हो गई है। बाकी सब भी हम पूरी कर लेते हैं। रे गाइस, हमने यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दिया है, और ये भी कितने खूबसूरत तरीके से फ्राई हो रहे हैं, उनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे क्रिस्प फ्राई करना है। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कॉमर्शियल पैन ले लिया है हमारे गोभी मंचूरियन के लिए, और ये देखिए हमारे सारे जो गोभी मंचूरियन है वो बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं। प्रोसेस यही है, आप इससे गोभी 65 भी बना सकते हैं, लेकिन जिसमें हमने ये फ्राई किया था गोभी को वही वाला ऑयल लिया है, क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर जो है इंटेक्ट है। यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच ये ऑयल ले रहा हूँ, अच्छे से इसको गर्म करेंगे। सबसे पहले हम उसको, ये हमारी ऑयल गर्म हो गया है, जो हमारे जिंजर गार्लिक हमने जो काट रखी है बारीक कॉर्न डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अरोमा लाने तक हम इसको भूनेंगे, और इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें ये राइस स्टोव में डालते हैं। ये झटपट का प्रोसेस है, यहाँ पे स्क्रीन मोड का वाइट पार्ट है डाल देंगे। सबसे पहले कैप्सिकम डालेंगे, कैप्सिकम को थोड़ा टाइम लगता है, आप कभी भी मंचूरियन बनाए तो आप लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करें, कढ़ाई इस्तेमाल करें, वोक इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉन स्टिक में इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, और लोहे के बर्तन में आयरन के कास्ट आयरन के बर्तनों में क्या है एक अच्छा अरोमा आता है, और जो उसका अरोमा है वो इंटैक्ट रहता है। मैं यहाँ थोड़ा फ्लेम हाई कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, थोड़ा हल्का टॉस करिए। और हम इसमें थोड़ा सा कैटल डाल दे रहे हैं, झटपट सेंसेशन है और बहुत जल्दी बनने वाली है। सब्जियों का जो क्रंच है वो हमेशा हम बरकरार रखते हैं, ताकि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है, अगर ज़्यादा आप कुक करना चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट ताकि सब्जियों पे अच्छी ग्लेज आ जाए। आप देख सकते हो सब्जियों पे कितनी अच्छी ग्लेज आ गई, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ग्लेज कितना अच्छा है। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल रहा हूँ, पैन के ऊपर ले रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा ना हो जाए, आप चाहें तो घोल के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली ले रहा हूँ, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने, थोड़ा डार्क सोया सॉस ले रहा हूँ,
टोमेटो को चल दे रहा हूँ। टमाटर का जो थोड़ा पतला है क्योंकि ये होम मेड है, नहीं है इसका, देख सकते और इसे थोड़ी सी लाल मिर्च डालना, लाल मिर्च थोड़ा फ्लेवर अच्छा है। दोस्तों अब हम इसमें हमारे गोभी के फ्लोरेट्स वो डाल देंगे। हमारा दोस्तों रात का डिनर है इसलिए हमने इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया है। आप चाहे क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं और इसको अच्छा एक स्टर दे दीजिए। सॉसेज इतने होने चाहिए सिर्फ पॉपकॉर्न के ऊपर या आपके मंचूरियन के ऊपर ये कोट हो जाए। आप चाहे, मैंने यहाँ पे ड्राई प्रिपरेशन रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसका क्रंच चाहिए ताकि हम फोर्क से जब खाएं तो ये अच्छे से हमारे मुंह में बाइट आए। ये देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे क्या खूबसूरत ग्लेज आया है। आप इस स्टेज पे चाहें, यहाँ पे मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गैस का फ्लेम जो है हाई कर दीजिए। तो कमर्शियल पैन में जैसे होटल्स में फायरी फ्लेवर होता है, आप चाहें तो सिजलर प्लेट पे भी इसको कर सकते हैं। मैं किसी दिन दूसरे दिन सिजलर पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी की जो प्रिपरेशन है मैं थोड़ा सा आपको पैन सीरिंग दिखा रहा हूँ। आप इस तकनीक को ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत संभाल के करिएगा इस चीज़ को, थोड़ा आपने तेज आँच कर देना है। हाथों में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसको कर देंगे बंद और स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं। स्प्रिंग ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट है इसको हमेशा आप लास्ट में डालें ताकि वो सोगी ना हो और हमारा देसी खाने का अंदाज। थोड़ा हरा धनिया भी दोस्तों उतना ही जरूरी है जितना सारी चीजें जरूरी हो। अब आप देख सकते हो अच्छा सा एक स्टर दीजिए और झटपट इसकी प्लेटिंग कर लें। हमारे जो गोभी मंचूरियन है बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लें। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फैंसी प्लेटर ले लिया है, अब इसमें मैं सारा प्रिपेयर कर रहा हूँ इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है। मेरे पास कैरेट्स नहीं था, मार्केट में आज मिला नहीं, इस वजह से मैं कैरेट नहीं डाला। आप चाहें तो कोई भी ग्रीन वेजीज डाल सकते हैं, कलरफुल रखें ताकि आप खाने में आपको अच्छा दिखे और कलरफुल दिखे। तो चलिए प्लेटिंग कर लें, फिर आपको मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। ये देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और हमारे गोभी मंचूरियन जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी बनाइए अपने घर पे और इस विंटर में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी वीडियो बनाने में लेट हो गई है और बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं। बाय बाय।